पर चढ़कर तार जोड़ते समय विद्युत स्पर्शाघात से संविदा कर्मी लाइनमैन की हुई मृत्यु। गोला उपनगर में हनुमानगढ़ी के पास की शाम लगभग 6:30 बजे विद्युत पोल पर चढ़कर विद्युत तार जोड़ते समय गोला विद्युत उपकेंद्र पर कार्यरत संविदा कर्मी लाइनमैन नगर पंचायत गोला वार्ड नंबर 7 निवासी 50 वर्षीय नरेंद्र सिंह पुत्र रामचंद्र सिंह की विद्युत स्पर्शाघात से तत्काल मृत्यु हो गई। अगल बगल के लोगों ने तत्काल इलाज के लिए CHC गोला पर लाया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना गोला पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया। बाबू साहब काम करना है, काम करो, नहीं तो घरे बैठ जाओ, तो नहीं तो ड्यूटी पे जल्दी आओ, जल्दी आओ। खाना 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 खाते थे, खाना भी छोड़ देना पड़ता था। रात का 12 बजे भी बोलते थे कि जल्दी आओ, लाइन बंद है, क्यों नहीं आ रहे हो? प्रताड़ित करके ये लोग इतना हमारे हर वक्त इतना परेशान करते थे। बाबू हम बहुत गरीब आदमी है, हम गरीबी के वजह से खाली अपने बच्चे लोगों के वजह से बोलते थे कि अंकु का अंकु पापा 2 महीने काम करो, उसके बाद में छोड़ देना। CC भर्ती में दिखा छात्रों में उत्साह। गोला गोरखपुर गोला उपनगर स्थित BSAV इंटर कॉलेज के मैदान पर शुक्रवार को आयोजित NCC जूनियर एवं सीनियर डिवीजन की भर्ती में छात्रों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। दिन भर चली भर्ती में जूनियर डिवीजन व सीनियर डिवीजन में छात्र शारीरिक दक्षता परीक्षा व लिखित परीक्षा ली गई। 45 यूपी बटालियन NCC की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AK दीक्षित के निर्देश पर सूबेदार नारायण ठकुरी के निर्देश में भर्ती लेने पहुंची टीम ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत दौड़, सीटअप, पुशअप, चिनिंग अप, रेस आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं की आयोजन किया। अंत में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। चयनित छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य श्री राम मिश्र ने कहा कि NCC मनुष्य को अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। शिक्षक संकुल मासिक बैठक हुआ संपन्न। गोला क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर पर शुक्रवार को शिक्षक संकुल की मासिक बैठक निर्धारित समय से आरंभ हुई। इस मासिक बैठक में निम्न बिंदुओं पर गहन चर्चा हुई। निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को अद्यतन किया जाए व विद्यालय पर चस्पा भी किया जाए। विषय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को प्रतिभाग कराया जाए। बैठक की अध्यक्षता मृत्युंजय राय ने किया। इस बैठक में प्रमुख रूप से पद्माकर मिश्रा, शैलेश कुमार, मनोज कुमार, उपेंद्र पासवान, राहुल मिश्रा, आलोक कुमार, सूर्य प्रताप राय, विपिन कुमार, मान सिंह, अजय कुमार, राजीव कुमार गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। होम्योपैथी मरीजों की संख्या बढ़ी। बांस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत होम्योपैथी मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। रोजाना 70 से 80 मरीजों का इलाज कराया जाता है। बताते चले कि काफी असुविधा के बाद भी लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने, न बैठने की सुविधा न भवन की सुविधा, फिर भी लोग आते हैं। सर आपका नाम और परिचय? मेरा नाम डॉक्टर वैभव जासर है, मैं यहाँ पे किससे कर रहा हूँ। सर रोजाना कितने मरीज अमूमन आ जाते हैं यहाँ पे? लगभग डेली 70 से 80 मरीज आ जाते हैं। होम्योपैथी दवा से क्या उनको राहत मिल रहा है? तभी तो आ रहे हैं, राहत तभी तो आ रहे हैं। यहाँ पे हमेशा जैसे भीड़ लगी रहती है होम्योपैथी डिपार्टमेंट में जब से आप आए हैं? जी उस तालाब मिल रहा लोगों को। हाँ। दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए। 20 दिनों में एड भी नहीं मिले इंसेफ्लाइटिस से मरीज। बांस गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 20 दिन पूर्व 2 बच्चों को इंसेफ्लाइटिस हुआ था, जिनका इलाज के बाद वो ठीक हो गए, परंतु लगातार 20 दिनों के बाद एड भी मरीज इंसेफ्लाइटिस से नहीं मिले। दूसरी तरफ गांव में बाढ़ का प्रकोप है, बरसात का मौसम है, ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सारी तरह से व्यवस्थाएं मौजूद है। आइए जानते हैं। बच्चे आ रहे हैं? बेशक पहले से बहुत खतरा है, और अभी जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने एक भी बच्चा नहीं देखा। इंसेफ्लाइटिस के लिए अलग वार्ड को बना ही है यहाँ पे? अभी देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी यहाँ पे तैनाती अभी हुई है, मुझे चीजों को देखने में और समझने में थोड़ा समय लगेगा। बाकी जैसे हाँ सुविधाएं जैसे यहाँ पे उपलब्ध कराई जा सकती हैं जरूर करनी चाहिए। दिन भर सड़कों की दशा खराब, लोगों को हो रही असुविधा। बांसगांव तहसील मुख्यालय का ये दृश्य, जहाँ पर बांसगांव तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाला मार्ग जगह जगह टूट गया है।
जिससे आवागमन में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कहां से कहां का रास्ता खराब है। मौसम से लेकर देवलार बाबू तक जो मेन नाली है, नाली की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की काफी दिक्कतें होती है। कई बार हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से भी किया गया, एक्सडीएम से भी किया, जेई साहब से कहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इस बरसात में तो और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या दिक्कत है? समस्या चलने में होती है नाली का जो चैम्बर निकाल दिया गया है उसको अगर प्रधान द्वारा चाहे किसी सही करवा दिया जाए तो समस्या दूर हो सकती है। चार राज चलने वाले का वफ बोर्ड की संपत्तियों पे जांच करने से लोगों को मिलेगा लाभ। बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोगों से बातचीत करने पे पता चला कि वफ बोर्ड की संपत्तियों पर जांच करने से जो अवैध अतिक्रमण हुआ है वो संपत्तियां फिर से मिल सकती हैं। ऐसे में लोगों को काफी लाभ वो सुविधा होगा। ऐसे में लोगों ने इस निर्णय को सराहा। वक्त बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे चल रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? अब तो जितने कब्जे हैं वो हो चुके हैं, क्या बचा है जो कब्जा करेंगे? बोर्ड की संपत्ति की अवैध बिक्री और कब्जों पर रोक लगेगी? लग सकती अगर ये तो। सुनना मोहम्मद इस्लाम, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर क्या अवैध कब्जे चल रहे हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? जी कुछ तो मतलब अवैध कब्जे हैं, लेकिन सरकार जो भी करेगी ठीक ठाक करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। सरकार के इस निर्णय से क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति वापस आएगी या कब्जे हटेंगे, अवैध बिक्री पर रोक लगेगा? सरकार के निर्णय से तो मुझे है कि मतलब जो अवैध कब्जे है उस पर बिक्री और कब्जों पर रोक लगेगी। हाँ लगेगी, रुक लगेगी। जो लोग मनमानी बेच देते थे, कुछ जिम्मेदार लोग थे, ये मस्जिद मदरसे के उसकी जो संपत्ति थी ये लोग बेच देते थे या खुद अपने वो उस पर अतिक्रमण